ये एक मम्मी है और ये उसका इंटरनल ऑर्गन है। तो मम्मी बोलती है कि देखो देखो, मेरे को देखना है यहाँ पे, चलो मेरे साथ चलो। इंटरनल ऑर्गन बोलता है, मैं तुमको देखने ही नहीं दूंगा। अरे तू गिर जाएगी, तू गिर जाएगी, अरे तू संभल। अरे मम्मी फिर गिर जाती है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जब च्यू करते हैं तब क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। अब मम्मी ने क्या किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को ऐसे ही निकल गया। और क्या किया, मेरा पेट दर्द दे रहा है, मेरे को बहुत दर्द दे रहा है, चलो मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो क्या होता है, मैं तो तेरे को बोले था कि तू मत खा, वैसे निगल निगल के खाना खा ले रही है, तो अच्छा हुआ पेट दर्द दे दिया तेरा। फिर उसके बाद थोड़े दिन गुजरने के बाद क्या हुआ, इसका जो मुंह है अजीब सा हो गया, फंगस इन्फेक्शन हो गया, नाना प्रकार के दाने आ गए। अब ये रोने धोने बैठ गई। तो इसको क्या बोला इंटरनल ऑर्गन कि गो जाओ डॉक्टर के पास और जाके दिखाओ अपने आप को, मगर ये मानने को तैयार नहीं। धीरे 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 इसके इंटरनल ऑर्गन क्या हो गए, खराब होते गए। और इंटरनल ऑर्गन खराब होने के बाद ये बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ने के बाद क्या हो गया, इसका डेथ हो गया। अब इंटरनल ऑर्गन खराब हो गया, उनका ऑर्गन को निकाल दिया गया, अगर जो अच्छा ऑर्गन था उसको डोनेट कर दिया गया। अब मम्मी नहीं रही ना ऑर्गन रहा। वैसे ही हम परमेश्वर के देह हैं, अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण होंगे। और नाना प्रकार में हम जैसे ये इंटरनल ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ऑर्गेनाइज करता है और अलग अलग तरीके से काम करता है, वैसे ही यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपने जगह में बहुत ही अच्छे हैं। कोई लर्नर है और कोई बहुत ही अच्छा सजेशन देते हैं। जैसे वचन में लिखा गया है, अगर तुम दान करने वाले हो तो दान करो, अगर तुम शिक्षक हो तो शिक्षा दो, और तुम अगर प्रोत्साहित करने वाले हो तो प्रोत्साहन दो। तो हम जब अपने प्रभु में होकर सब चीज़ों को, सब कार्यों को करते हैं, तो ये सब चीज़ें आशीष का कारण बनती हैं। हम सब डिफरेंट पार्ट्स हैं स्कूल के, और हम सब यूनिक होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं अगर एकता में बने रहोगे तो मैं तुम्हारे संग और साथ रहूँगा। अगर हम डिवाइड हो जाएंगे, एकता में नहीं है, एक आत्मा में नहीं है, प्रेम से नहीं बंधे हैं, तो हम सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब यूनिटी हम बन के एक तरीके से एक परिवार के जरिए हम खड़े रहेंगे, तो पूरा जो है बीकन फैमिली वो क्या आएगा, उसमें आशीष होगा। और अगर हम अलग अलग जगह से चले जाएंगे, और जैसे मैं हूँ, मेरे में भी बहुत गलतियाँ हैं, अगर किसी को मेरे द्वारा हर्ट हुआ हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मगर ये सब चीज़ें हम सीखते हैं कि हम कहाँ पे चूक गए हैं और हमको कितना लर्न करना है। अगर हम अपने आप को परफेक्ट मानते हैं तो हम दूसरों को भी सिखाएं कि हम किस ओर में जा रहे हैं, और परमेश्वर हमारे को गाइडलाइन देते हैं, और परमेश्वर के जरिए ही हमको हर लोगों को ट्रीट करना है। अगर हम आदर एक दूसरे का नहीं करेंगे तो वो आदर सम्मान परमेश्वर भी, हमारे परमेश्वर पिता जो है यीशु मसीह, बोलेंगे उनको कि ये मेरा आदर नहीं किया है, तो वहाँ पे भी स्वर्ग के पिता भी हमारा आदर नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार जब इंटरनल ऑर्गन ब्रेन के नक्शे कदम पे चलता है कि जब वो बोलेगा, सेंस भी जो काम करता है उसी के द्वारा होगा। अगर आँख बंद हो जाए तो हम देख नहीं पाएंगे, गड्ढा भी नहीं दिखेगा। हमारी सिक्स्थ ऑर्गन हमसे बोलेगी कि चलो चलो, और क्या बोलेगी, तुम देख के तो चलो कि कहाँ पे तुम जा रहे हो। और आँख बोलेगी तुम खोलो तो जरा, देखो तो वहाँ पे बड़ा गड्ढा है। अगर हम बिना देखे चल रहे हैं तो हम जरूर गड्ढे में गिरेंगे। अगर हमारा कान जो है अलग तरीके से सुनता है, और हम जो इंटरनल ऑर्गन है जो ब्रेन बोलता है वही सुनते हैं, और जो चीज़ नहीं सुननी रहती उसको भी सुनते हैं, और क्या होता है अलग से क्या हो जाता है, हमारे पार्ट धीरे 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 करके डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। तो क्या कहा गया है वचन में कि बुराई से ना हारो परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। तो
तो हमको बुराई जो हमारे जीवन में आता है, इंटरनल ऑर्गन में इन्फेक्शन आ गए और वो इन्फेक्शन होने के द्वारा वो क्या हो गई, मर गई। तो हमारे जीवन में भी नाना प्रकार की समस्याएं आती है और नाना प्रकार के अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं हमारे जीवन में, मगर उससे हारना नहीं है। हमको हमेशा प्रभु की ओर ताकना है और हमेशा उसकी राह में चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। थैंक यू।